तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमबीपीएससी बिटके के। आज है 17 सितंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर वीर महान योद्धा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी की आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे और यह हिस्ट्री से संबंधित है और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन में आज हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश जनसंचालनालय की विशेष एक फीचर श्रृंखला लॉन्च की गई है और उससे निकल कर आ रहे हैं काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो इनको मैं यहाँ पर आज कवर करने जा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे एक बड़ी परियोजना है जिसको मंजूरी दे दी गई है, तो किस जिले से यह संबंधित है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम आज क्या देखने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे जनसंपर्क संचालनालय की विशेष फीचर श्रृंखला के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के प्रथम बलिदानी थे, अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से यहां पर तात्पर्य है। आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया है, 1857 की क्रांति को। और उस दौरान आप देखेंगे काफी अद्वितीय साहस के साथ मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के प्रथम शहीद इनको माना जा रहा है। अब आप सोचेंगे शहीद किस प्रकार से, किसी भी राजवंश के प्रमुख जो थे वह यह प्रथम थे जो कि शहीद हुए थे इस 1857 की क्रांति में, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे और भी क्या एक्सटर्नल फैक्ट निकल कर आ रहे हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेम ऑफ अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस पीडीएफ। सो इवनिंग टाइम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर के सेशन में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में बृहत परियोजना नियंत्रण मंडल की 116वीं बैठक संपन्न हुई है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह वृद्ध परियोजना नियंत्रण मंडल होता है, यह क्या करता है इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं। दोस्तों यह डिसाइड करता है कि जो वृद्ध परियोजना, अर्थात आप समझ सकते हैं तीन प्रकार की नदी परियोजनाएं होती हैं, एक होती है आपकी लघु, एक मध्य और एक वृद्ध होती है। दोस्तों यहां पर जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं उनकी वृद्ध परियोजना कहा जाता है और इनकी अनुमति कौन देता है, वृद्ध परियोजना नियंत्रण मंडल के अंतर्गत इनकी जो होती है वह परियोजनाओं की मान्यता दी जाती है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो 116वीं बैठक संपन्न हुई थी यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी, और देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर एक है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता, राज्यपाल, गृह मंत्री या फिर जल संसाधन मंत्री। इसका राइट आंसर है दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो अब आपको यहां पर बता देता हूं जो वृद्ध परियोजना नियंत्रण मंडल है इसकी कौन अध्यक्षता करता है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अर्थात मुख्यमंत्री ही इसकी अध्यक्षता करता है। इसके साथ साथ आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौथी बार बने ही हैं और 19वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, यह तो आपको याद हो ही गया होगा। चलिए काफी दिनों बाद चर्चा निकल कर आई है तो यहां पर यह भी बता देता हूं कुछ मंत्रालय इनके पास हैं। कौन कौन से मंत्रालय दोस्तों, सबसे पहला मंत्रालय है आपका नर्मदा विकास मंत्रालय, इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय और ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं। तो यह सभी मंत्रालय किसके अंतर्गत आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर रिवाइज करा देता हूं, छगन सिंह पटेल हमारे मध्य प्रदेश के 30वें नंबर के राज्यपाल हैं। राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है, 153 में होता है, 154 में उसकी कार्यपालक शक्ति होती है, 155 में क्या होता है उसका कार्यकाल होता है। दोस्तों इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ेंगे, जब हम देखेंगे 157 में उसकी अहर्ताएं होती हैं, अर्थात 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, पागल या दिवालिया ना हो, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 160 में इसकी आपातकालीन शक्तियां होती हैं, 161 में जो आपका राज्यपाल होता है उसकी क्षमा दान की शक्ति होती है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं 164 में राज्यपाल द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको देखना है। इसके बाद आप देखेंगे आप दोस्तों 167, इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 167 के अंतर्गत दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के कामकाज के संबंध में जानकारी मांग सकता है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है, तो यह भी एक विधेयक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा 202 राज्य का बजट होता है इसके अंतर्गत, तो इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 163 के अंतर्गत दोस्तों राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर
हमने चर्चा की है विद्युत परियोजना की, तो मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है, यह है दोस्तों हमारे तुलसी सिलावट जी, तो यह आपको याद रखना है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, सीप अंबर सिंचाई परियोजना के कार्यों को मंजूरी, यह किस जिले में है। तो एक परियोजना जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, उस परियोजना का नाम है सीप अंबर परियोजना। अब यह परियोजना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले कुछ दो परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई थी, परंतु उन परियोजनाओं के अंतर्गत काफी बड़ा वन क्षेत्र और काफी सारे लोगों का विस्थापन हो रहा था, जिससे लोगों में रोष था, उस कारण से उन दो परियोजनाओं को वहीं पर रोककर उनके उनके एवज में यह एक बड़ी परियोजना लागू की जा रही है। तो यह किस जिले में, इसलिए यह परियोजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और यह अपने आप में एक यूनिक परियोजना है जिसका नाम है सीप अंबर परियोजना सिंचाई। तो इसके कार्यों को मंजूरी दे दी गई है, तो यह किस जिले में है, आपको ऑप्शन नंबर एक है सीहोर जिले में, शहडोल जिले में, भोपाल जिले में या फिर जबलपुर जिले में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, सीहोर जिले में है दोस्तों सीप अंबर सिंचाई परियोजना। इसके संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सबको हम यहां पर देख लेते हैं। सीप अंबर सिंचाई परियोजना के कार्यों को मंजूरी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वृद्ध परियोजना निगम मंडल की 116वीं बैठक संपन्न हुई। इस परियोजना में नवंबर 2022 से सिंचाई प्रारंभ हो सकेगी। परियोजना में कुल 9000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। पूर्व में सीहोर जिले में प्रस्तावित सनकोठा और मोंगड़ा खेड़ा, यह दो परियोजनाएं थी दोस्तों, इनको खत्म करके इनके स्थान पर यह परियोजना स्वीकृत की गई है। पूर्व की दोनों परियोजनाओं में कुल प्रस्तावित कमांड क्षेत्र 9000 हेक्टेयर में से 8000 हेक्टेयर भूमि की सीप अंबर प्रोडक्ट सिंचाई परियोजना से की जाएगी। शेष 1000 हेक्टेयर की सिंचाई नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माणाधीन छिपानेर उद्वहन परियोजना से होगी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है और जो पहले की परियोजना थी उनको समाप्त कर दिया है और अब यह भी नई परियोजना लागू की जा रही है। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट स्पेशली इसके अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं, जन संपर्क संचालनालय की विशेष फीचर श्रृंखला के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के प्रथम बलिदानी कौन थे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। आज का यह क्वेश्चन हिस्ट्री को ज्यादा टच करेगा, परंतु करंट का क्वेश्चन होते हुए भी अब इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन द फ्यूचर। अब आप सोचेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन करंट से ही टच करके पूछे जाते हैं, तो हमेशा आपको यही कोशिश करना है कि अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन करंट में आता है तो उससे क्वेश्चन बनने के ज्यादातर चांस होते हैं। और इस वर्ष तो दोस्तों लगभग मैं 3 से 4 बार आप लोगों से शंकर शाहजी और आपके उनके पुत्र रघुनाथ शाहजी के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। दोनों अर्थात शंकर शाह और रघुनाथ शाहजी, इन दोनों के बारे में इस वर्ष में 3 से 4 बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। तो यकीन मानिए इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको या तो एमबीपीएससी में या फिर जो आगामी एग्जाम है, चाहे वह पटवारी हो, पुलिस हो, जो भी होगा, उसमें आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के प्रथम बलिदानी थे शंकर शाह और रघुनाथ शाह। इनसे संबंधित कुछ दिलचस्प स्टोरी आपको सुनाता हूं जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और यह काफी अधिक फैक्चुअल भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए यहां पर मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, देखते जाइए। 1818 में गोंडवाना साम्राज्य मराठों के हाथ से निकल गया था। इसके बाद क्या होता है, जो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है, मध्य प्रांत में मिला लिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को जबलपुर में गड़ापुरवा के पास 3 गांव की जागीर देकर पेंशन दे दी जाती है। इससे क्या होता है, शंकर शाह अंग्रेजों के इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहते थे। आगे चलकर महारथी शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने 1857 के प्रथम संग्राम में तोप पर मोह से उनको उड़ा दिया गया था। तो यह आपको मालूम होना चाहिए, इनको अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से तोप के मोह पर बांधकर तोप के माध्यम से इन्हें उड़ा दिया था। इसी कारण से यह इसके अंतर्गत यह शहीद हुए थे, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इन्हें प्रथम शहीद कहा जाता है। संपूर्ण भारत में किसी भी रजवाड़े परिवार की ओर से प्रथम बलिदान इन्होंने दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, रजवाड़ों में से यह प्रथम व्यक्ति थे जो शहीद हुए थे। 19वीं शताब्दी मध्यांत तक अंग्रेजों के अत्याचार अनाचार सीमा पर पहुंच गए थे। अब देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। जबलपुर कैंटोनमेंट की 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार थे, जिनका नाम था बलदेव तिवारी, के साथ कई सैनिक शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह से मिलने आते थे। तो अब हमने यह तो देखा कि तोप के मुंह पर इनको बांधकर शहीद हो गए थे, परंतु इसका जो पूरा प्रक्रिया थी वह क्या बनी थी, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार थे बलदेव तिवारी, यह कई सैनिकों के साथ राजा शंकर शाह और कुंवर शाह से मिलने आते थे दोस्तों। और इसी दौरान क्या होता था कि अंग्रेजों के विरुद्ध यह संगठन बनाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु यहाँ पर उनका एक तरीका था जो आपको याद रखना होगा। आपने सुना होगा 1857 की जो क्रांति थी, इसका संदेश किस पर दिया जाता था दोस्तों, रोटी और कमल पर। याद रखिए किस पर दिया जाता था, रोटी और कमल पर। परंतु यहां पर इन्होंने एक यूनिक तरीका निकाला, इसको आप देखेंगे, दो काली चूड़ियों
की पुड़िया, उसमें संदेश लिखा होता था कि अंग्रेजों के संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ या फिर चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। तो आप समझ सकते हैं कितना सशक्त संदेश दिया गया था शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के माध्यम से, जो कि प्रथम शहीद हुए थे इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। तो आप समझ सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन इसी तरीके पूछे जा सकते हैं कि सन 1857 की क्रांति का जो प्रमुख सिद्धांत था उसके अंतर्गत रोटी और कमल तो दिया गया था, परंतु यहां पर क्या दिया गया था? तो आप समझ सकते हैं चूड़ियों की भी व्यवस्था यहां पर की गई थी। यह एक अपने आप में यूनिक है, तो इसको तो आपको याद रखना ही होगा। चलिए देखते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट। शंकर शाह ने भी 10 सितंबर 1857 को जबलपुर के गढ़ापुरवा में बैठक बुलाई, मध्य प्रांत में स्वतंत्रता संग्राम का सिटी गणेश करने की योजना बनाई। तो यह आपको मालूम होगा 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हो गई थी और उसी के बाद इन्होंने भी यहां पर इसकी जो शुरुआत कर दी थी। इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, इनके द्वारा क्या होता है पूरी योजना बनाई जाती है, परंतु जो उस समय का जबलपुर का एक जो होता है मजिस्ट्रेट वो क्या करता है, वो है जानकारी निकाल लेता है। और उसके मैं यहां पर नाम दिखा देता हूं आपको, यहां पर आप नाम देखेंगे, डिप्टी कमिश्नर क्लार्क इसका नाम था। यह क्या करता है दोस्तों, यह अपने गुप्तचर साधु के भेष में भेज देता है शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के बेड़े में, और वहां पर वह साधु बने गुप्तचर पूरी जानकारी लीक कर देते हैं और इस कारण से यह अंग्रेजों के अंतर्गत पकड़े जाते हैं। तो यह काफी दुखद घटना थी और गिरफ्तार करने के बाद उनको क्या किया जाता है, मिलिट्री कॉन्टोमेंट में रखा जाता है, परंतु रात में उन्हें छुड़ाने के लिए सूबेदार बलदेव तिवारी, दो बार इनका नाम आ चुका है दोस्तों, 52वीं इन्फेंट नेटिव इन्फेंट्री का नाम इनका आ रहा है, तो उसको आपको याद रखना है, जबलपुर से यह संबंधित है और बलदेव तिवारी जी इन्होंने विद्रोह कर दिया था, बलवा किया, इसलिए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को कैंटोनमेंट से हटाकर रेसिडेंसी में रखा गया। अंततः 18 सितंबर इस डेट को याद करिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह डेट है, 18 सितंबर 1857 को 11:33 मद्रास नेटिव इन्फेंट्री सहित 5000 सैनिकों के घेरे में रेटिज रेसिडेंसी के सामने राजा रघुनाथ शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह पर बांधकर शहीद कर दिए गए थे, और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय विकास मंत्री श्री सह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान से किस शहर में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का आग्रह किया है? आपको ऑप्शन नंबर एक छिंदवाड़ा, खुरई, सागर या फिर खंडवा, इसका राइट आंसर है दोस्तों खुरई में। और अभी हाल ही में स्मार्ट जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक योजना में अवार्ड भी दिया गया था, दो नगर पालिकाएं थी उनका नाम था छिंदवाड़ा और खुरई, तो इसका आंसर है केवल खुरई, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, नगरीय विकास मंत्री श्री सह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान से खुरई में केंद्रीय जो विद्यालय है उसे खोलने की बात कही है। चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकेडमी के खिलाड़ियों को किस देश के प्रशिक्षक देंगे प्रशिक्षण? दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इवनिंग में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।